जन्नत से जहन्नुम बनी कश्मीर घाटी एक बार फिर जन्नत बनने की ओर है। सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की मदद से भटके युवा धीरे धीरे घर वापसी करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक युवक नसीर अहमद आतंकी संगठन में शामिल हो गया था, लेकिन माता पिता के फोन पर वो वापस लौट आया। नसीर अहमद ने हाल ही में आतंकी संगठन का दामन थामा था। उसने दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में पुलिस के सामने सरेंडर किया। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब सुरक्षा एजेंसियां खुले तौर पर आतंक का रास्ता छोड़ने वाले लोगों की मदद कर रही हैं। सीआरपीएफ की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके जरिए घाटी में आत्मसमर्पण की चाह रखने वाले युवा एजेंसी की मदद ले सकते हैं। सीआरपीएफ इसके लिए 14411 नंबर से एक टोल फ्री हेल्पलाइन जारी की है। आतंक की राह से लौटने में मदद करने वाले इस हेल्पलाइन को मददगार का नाम दिया गया है। ये उन भटके हुए युवाओं की मदद करेगी जो घाटी में आतंक की राह पर चल पड़े हैं और अब वापस मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। ये कदम फुटबॉलर से आतंकी बने माजिद के सरेंडर के बाद उठाया गया है, जो कुछ दिन पहले ही आतंकियों का साथ छोड़ वापस अपने घर लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।